पूरी दुनिया को अपनी मिसाइलों की गर्जना से डराने वाला तानाशाह किम जोंग उन शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक्चुअली उत्तर कोरिया का तानाशाह 36 वर्षीय यानी किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अगर नहीं भी मरा है तो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, क्योंकि उसकी ब्रेन डेथ की खबरें आने लगी है, क्योंकि कई मीडिया हाउस ने उसके ब्रेन डेथ होने की खबर दी है। एक्चुअली कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमण होने का भी अंदेशा जता रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस से अपने देश को बचाने के लिए किम जोंग उन ने बहुत ही गंभीर रणनीति बनाई थी, जिसके तहत जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलेगा उसे सीधे गोली मार देने का आदेश दिया था। इसके अलावा वो अपनी पर्सनल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसके साथ साथ किम जोंग उन आम लोगों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आता, इस वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण उसे हुआ है ये बात में ज़्यादा तथ्य नहीं लगता, जबकि किम को हार्ट की कोई गंभीर समस्या बताई जा रही है। एक्चुअली काफ़ी समय से वो इस बीमारी से ग्रसित था। उसका मोटापा, उसकी स्मोकिंग करने की आदत और उसकी ड्रिंक करने की आदत, इन सब चीज़ों ने उस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। मीडिया हाउसेस की माने तो उसे कार्डियोवास्कुलर की बीमारी हो गई है। ये एक्चुअली हार्ट की एक डिजीज़ है जो उसे हुई है, और दावा ये किया जा रहा है कि इसी समस्या को लेकर उसकी एक सर्जरी हुई थी जो कि बिगड़ गई। इसी की वजह से किम जोंग उन जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। अगर मीडिया हाउसेस की माने तो किम बहुत ही लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित था। साउथ कोरियन मीडिया की अगर बात माने तो किम ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया है। अगर कुछ हद तक इस खबर की गलत होने की संभावना अगर है तो वो इसलिए है कि उत्तर कोरिया से कोई भी खबर आना बहुत मुश्किल है। खासकर किम को लेकर कोई खबर बाहर आए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन साउथ कोरिया को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में उसका एकमात्र दुश्मन यही है किम। साउथ कोरिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज बस किम और नॉर्थ कोरिया की ही जानकारियां जुटाने में लगी रहती है। अगर उन्होंने ये दावा किया है तो इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई हो सकती है। एक्चुअली पिछले हफ्ते कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग, ये व्यक्ति किम जोंग उन के दादाजी थे। एक्चुअली 15 अप्रैल को इनका बर्थडे होता है। हर साल किम जोंग उन इनके बर्थडे के अवसर पर एक बहुत ग्रैंड लेवल का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, जिस तरह से हमारे यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक उसी तरह से किम जोंग उन हर 15 अप्रैल को अपने हथियारों और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और पूरी दुनिया को भयभीत करता है। लेकिन इस बार जब ये कार्यक्रम हुआ उसमें किम उपस्थित नहीं था, तो संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है कि वाकई में किम काफ़ी समय से बीमार चल रहा है और हो सकता है कि उसकी मौत भी हो गई हो। साउथ कोरिया की मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया की मीडिया अभी इस खबर को कवर कर रही है, और इस खबर ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। अगर इतने बड़े लेवल पर इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है तो बात में कहीं ना कहीं दम तो होगा ही। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किम जोंग उन की एज अभी बहुत ज़्यादा कम है, वो केवल 36 साल का ही है, लेकिन गलत आदतों के चलते उसने अपने शरीर को कचरा कर लिया था। एक्चुअली वो कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करता था,